अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जिस दिन मैं मम्मा के घर आई थी वेडनेसडे को, उसी दिन मैंने बस व्लॉग बनाया था। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं किया, क्योंकि मैं अपनी दोस्त की शादी बहुत अच्छे से इंजॉय करना चाहती थी। क्योंकि मेरी शादी के बाद किसी भी दोस्त की ऐसी शादी नहीं आई है जिसमें मैं इंजॉय कर पाई, जैसे मैं आपको पहले भी बताया था। तो उसी वजह से मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, कुछ भी नहीं किया। मैंने सिर्फ इंजॉय किया अपनी दोस्तों के साथ, अपनी दोस्त की शादी इंजॉय की और सीरियसली बहुत मज़ा आया। तो आफरीन को आप लोग जानते हो शायद, मेरी शादी के व्लॉग्स अगर आप लोगों ने देखे होंगे एक साल पहले के, जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, तो आफरीन और फरहीन दोनों ही मेरी दोस्तें हैं, मेरी बहन की भी वही दोस्तें हैं। तो उसकी शादी हुई है आफरीन की, तो अल्लाह पाक उसको खुश रखे बहुत अपने घर में। आप लोग भी उसके लिए दुआ की, अल्लाह उसके नसीब अच्छे करे। वेल, अब शादी तो वाइंड अप हो गई, अब मेरे जाना, अब मुझे जाना है घर, मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। वैसे तो आज मेरे घर जाने का दिन है, आज है मंडे, वैसे मैं ट्यूसडे को जाती, लेकिन मूवीज़ ने मुझे आज बुला लिया, क्योंकि बहुत ही अच्छा सा सरप्राइज़ है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए तो पता ही था मुझे, खैर लेकिन फिर भी। तो वो सरप्राइज़ ये है कि मूवीज़ ने ले ली है गाड़ी, तो इस चक्कर में वो मुझे आज लेने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि इन्होंने गाड़ी ली है। हम सब आपको, मैं गाड़ी भी घर जाके गाड़ी दिखाऊंगी, हम सब उसमें घूमने जाएंगे रात को, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरा मेन मकसद व्लॉग का यही था कि हमने गाड़ी ली और अपनी खुशी आप लोग के साथ बिल्कुल शेयर करना चाहते हैं। आप लोग उसके लिए दुआएँ करें हमारे लिए, और माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा, मैं आपको घर जाके ज़रूर गाड़ी दिखाऊँगी। तो अभी ईशा की अजान होने वाली है, तो मैंने सोचा कि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ लूँ और मूवीज़ आ जाएंगे लेने के लिए, फिर मैं घर जाके आपसे मिलती हूँ, ठीक है जी। तो ये मैं पूरा अपना बैग भर के लेके आई थी और सब मैंने पैक कर लिया अपना सामान, और अब मैं बस नमाज पढ़ूँगी, उसके बाद फिर तैयार हो जाऊँगी, क्योंकि पता नहीं मूवीज़ कब आएंगे मुझे लेने के लिए। उन्होंने कहा था 8:30 तो मुझे बच जाएंगे, तो मैं नमाज़ पढ़ लेती हूँ फिर देखते हैं, ठीक है। फिर भी घर आई हूँ और मूवीज़ गाड़ी निकाल के लेके आ गए हैं, और वो रही हमारी गाड़ी। फिर भी घर आई हूँ मैं, 10:30 हो रहा है, मैं मूवीज़ गाड़ी लेके आते तो मैं दिखाती हूँ वो लेके आ रहे हैं। देखें, ये है हमारी गाड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह ज़रूर बोलें। ये हमारी गाड़ी आ चुकी है माशाल्लाह, लाइट गई हुई है, अभी नज़र भी नहीं आ रहा। बंद नहीं कर रही, आती तो है ना उनको। लाइट नहीं आ रही, इतने अंधेरे में नजर नहीं आ रहा। हाँ अच्छी लग रही, गेट पे आदमी लगाना, गेट डोर टू डोर ऑटो है, डोर ऑटो है। अम्मी को फोन करा, आटा जरा मेरे को चलाना है। वो लोग तो खाना खा रहे हैं, नर्सरी लेके चलूं? नहीं नहीं, मैं नर्सरी में चलाना, गली में नहीं चलाओ सर। मैं भी पहले सुजुकी ऐसे ही लेकर आऊं, ऐसा चलाना। ये एडजस्टेबल है, हेलो, और पीछे की स्पेस है यहां पे हम, हेलो। हां क्या बोल रहा है आवे मुनीषा, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हाउ इज योर फीलिंग? पूरे घर में भी सिर्फ मूवीज़ को ही ड्राइविंग आती है, तो अभी मूवीज ही गाड़ी चला रहे हैं, अब सब सीखेंगे फिर सबको आ जाएगी। अभी हम जा रहे हैं, पता नहीं ग्राउंड लेके जा रहे हैं, अरीश वहाँ गाड़ी चला के चेक करेगा। मूवीज़ ने बोला मैं यहाँ पर नहीं दे रहा, क्योंकि गली में लेके जाना थोड़ा सा डेंजरस होता है, इधर उधर से लग ना जाए, तो ग्राउंड में गाड़ी चलाएंगे। और हमारे गाड़ी का नाम है आई ग्रे वैन, ये तो और इसलिए ग्रे कलर। आदला भाई देखो मेरा घर पे, क्या बोल रहे हो? अभी हम सब गली के कोने पे हूं, गाड़ी में रूपा को भी लेंगे, पार्टी में आएंगे। चलो रूपा वाले आदला को फोन करो, हम लोग सब जा रहे हैं। हेलो, ग्राउंड जा रहा हूं, ग्राउंड वाले नहीं आ रहा
हेलो ग्राउंड ग्राउंड खुशी मनाएंगे और घूमेंगे फिरेंगे हां बात करो तो अभी हम रुबा को लेने के लिए जा रहे हैं मैं रुबा को कॉल हेलो हेलो ग्राउंड में थोड़ी चला अब रिस्ट टेस्ट कर रहे हैं एक मिनट और आ एक दिन मैं भी चलाऊंगी एक पांव से चलाओ एक पे चढ़ा दो एक डेढ़ महीने बाद मैं भी गाड़ी चला रही हूँ कि मैं सीख जाऊंगी मनीषा भी हमें खाना देने आएगी ओल्ड आते देखो तुम यहाँ भी तो देखो हाँ मैं गाड़ी में खाना देने आऊंगी इस साइड अंधेरा क्यों है वहाँ पे पानी पानी हो रहा है शीशे पे ओस आ रही है एसी की वजह से एसी कहाँ से करो यार ये आसान है चलाना अरे चला लूंगा ग्राउंड में ले तुम रोड पे ले ना वहाँ पे ट्रैक पे अरे देख के कटा है उल्टा उल्टा पे काटो उल्टा पे काटो उल्टा पे काटो काटो इस एक्सीडेंट तो सीधा अब सेंटर करो सीधा करो सीधा करो सीधा करो अरे यार वही जो है जहाज उड़ रहे हैं पाइपलाइनों के गटर की लाइनों के अंदर अरे हाथ नहीं लगा फ्लाइट पीआईए की फ्लाइट तो मनीष अपना रिव्यू दीजिए इनकी वजह से कराची बर्बाद है इनकी वजह से ये चाचा को चेक करें आप चाचा सोच रहे काश मैं भी इंशाल्लाह सबके पास गाड़ी होगी भाई फिर रूबा भी आ चुकी है हम भाई रूबा को पिक करने आ रहे हैं गेट निकल गेट निकल गेट निकल गेट निकल खुद खुलेगा गेट खुल गया सलाम वालेकुम बंद नहीं करना बंद खुद होगा मेरा बैग पकड़ो ऊपर करो उनसे बैग पकड़ो वहां मम्मा ले मैं अंदर यहां से निकल जाएगी गाड़ी हां निकल जाएगी हां तो यहीं से ले यहीं से निकल जाएंगे अरे तो दिसंबर तक घुमा लेंगे गेट बंद नहीं करना गेट बंद कर रहा हूं हां भाई हां आ जाओ कैसा लग रहा है आपको घर जाते हैं ना अच्छा अभी हम गाड़ी निकाल लें हम पेट्रोल कैसा लग रहा है आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है तला मेरे भाइयों को और तरह आमीन आमीन अब हम घर जा रहे हैं और बाकी के लोगों को लेते हैं और फिर निकलते हैं घूमने के लिए तुम तो अब अम्मी कैसे आ रही हो ना अपनी हाँ मैं लेकिन ये तो कहता बाइक पे गया ही हाँ बाइक पे गया बाइक पे तो लेकर आया मैं मुझे सब आ चुके ये भाई गाड़ी कैसी वरन भाई आगे से देखो आगे से क्या सब आ चुके शादी में दी है क्या कर रही है आप ही आपको अरे ऐसी टहलने यार फिर आप ही कैसे लग रहा है आपको चलो बस जबरदस्त आपको कैसा लग रहा है तो हम आए रहमति श्री का कुल्फा खाने देख रही है हमारे को ये अब लाइट में नजर आई थी हमारी गाड़ी और फरहान भाई और हिरापी भी बैठे हुए गाड़ी की खुशी में मेरा तो ऐसी नींद से नहीं आ रहा था तुम वहीं बैठ जाते लेट भी जाते इतनी सारी जगह मारो मारो अब हम यहाँ से कुल्फा खाएंगे रहमति श्री का कुल्फा इतने सारे कुल्फे हैं फिर आप भी यहीं आ गए हाँ अरे मनीषा ये तो मेरे पास से जाएगी इसको बिठाओ ना यहाँ नहीं बैठेगी क्यों ये इसको बोलिए मैं मां के पास ही रहूंगी आप मां के पास ही रहोगी पापा के पास भी नहीं जा रही अपनी कुल्फा खाएगी वो कुल्फा खाओगे आप इधर बैठो ना यहाँ बैठो मैं खिलाऊं यहाँ बैठो क्या डाल रहे हो बोल दिया ना थोड़ा सा डालना दाल दाल मेरे साथ तो है ऐसे काम दाल 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 खाए पानी नहीं बेटा भाई पानी डालना है अपनी फॉलो करो भाई तुमने हमें स्टार्ट में डालना है तो रमान की गाड़ी में डालते हो खाली बंद कर दे किसका रानी ये क्या फरहान भाई सबको बता रहे हैं कि क्या चीज़ क्या है इनको खुद नहीं पता इनको हम बता रहे हैं मैं तो क्या अनाड़ी अनाड़ी अश्वी ये
ये लोग घर जा रहे हैं। कैसी लगी आपको हमारी राइड? बहुत जबरदस्त। ये राइड भी लेकर आई है? यस, एक राइड लेकर आई है। लोगों ने तो बोल दिया था हमारी गाड़ी में जगह नहीं है। किसने बोला? इन्होंने बोला ना, इसने और किसी ने नहीं बोला। हाँ, लेकिन बाजी आई नहीं। बाजी आई, बाजी का बायकॉट कर दिया हमने। ये भगा रही है, इसको नींद आ रही है। फ्लैश तो ऑन कर लो। सही आ रहा है। चलो भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तो हम घर आ चुके हैं और बहुत मज़ा आया हमें अपनी गाड़ी में घूमने। घर का अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ बहुत मज़ा आया। फिर दुआ कीजिएगा और माशाल्लाह ज़रूर बढ़िएगा। अब मिलते हैं अब आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।